अभी तक के हमने बहुत सारी टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं, काफी सारा डिस्कशन भी कर चुका है। तो हमारा, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और प्रीवियस वीडियो तक के हमारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सारी की सारी कंप्लीट हो गई थी। तो फ्रेंड्स, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने पढ़े, तो आपने इसमें एक चीज नोटिस करी होगी, चारों के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की सबसे मेजर एप्लीकेशन ये है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है मोलर मासेस को कैलकुलेट करने के लिए। पर तब भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम जिन भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास निकालते हैं, वो मोलर मास इतने एक्यूरेट नहीं होते। तो मोलर मास एक्यूरेट नहीं होते, तो इनके कंपैरिजन में जो मोलर मास हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, वो मोलर मास को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, एबनॉर्मल मोलर मास की हमें पूरी डिटेल में स्टडी करनी है कि क्या क्या होते हैं। बट तब भी आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिसने हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वीडियोज को नहीं देखा, तो मैंने उनके लिए ऊपर आई बटन में लिंक डाल दिए, और नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उनकी लिंक दूंगी, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास हम कैलकुलेट तो कर रहे हैं, बट मोलर मास इसमें एक्यूरेसी नहीं आ रही है। तो कैसा क्या करें कि हमारे कैलकुलेशन में एक्यूरेसी आ जाए, इसको लेकर के आज हम बात करते हैं। तो आपको जब भी मोलर मतलब आपको जब भी मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना होगा, एक्यूरेट मोलर मास को एक्यूरेसी लाने के लिए आप दो चीजों का यूज कर सकते हैं, या हम ये बोलेंगे कि दो कंडीशंस है जिनका हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होती है। वो दो कंडीशंस कुछ ऐसी हैं। फर्स्ट कंडीशन तो ये बोलती है, द सॉल्यूशन विच बी यूज्ड शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड। जिस सॉल्यूशन का हम यूज करने जा रहे हैं, वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ना हो, या इससे आप एक वर्ड में ये भी बोल सकते हो कि वो जो सॉल्यूशन हो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो। डाइल्यूट सॉल्यूशन शुड बी टेकन, डाइल्यूट सॉल्यूशन ही आपको लेना है। अब फ्रेंड्स देखिए, सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड क्यों नहीं होना चाहिए? यदि सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो आपस में बहुत पास में रहेंगे। अब यदि सॉल्यूट में पार्टिकल आपस में बहुत पास में, तो वो क्या होगा, पार्टिकल्स मिलकर के क्लस्टर का फॉर्मेशन करेंगे, और इस टाइप का जो सॉल्यूशन रहेगा वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसलिए हम ये बोलते हैं कि सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। क्योंकि बात हम सभी जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है। यदि सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा तो वो क्या होगा, सारे सॉल्यूशंस आपस में कंबाइन होंगे, सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वो आपस में कंबाइन होंगे, और आपस में कंबाइन होकर के वो क्लस्टर का फॉर्मेशन करेंगे, और फिर क्लस्टर से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो जाता है। इसलिए हमारे जो सॉल्यूशन है उसे डाइल्यूट होना चाहिए, ताकि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स उनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहे। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन ये बोलती है कि जो सॉल्यूशन आप यूज करने जा रहे हैं, वो सॉल्यूशन में ना तो एसोसिएशन होना चाहिए ना ही डिसोसिएशन होना चाहिए। नो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। ना तो एसोसिएशन होना चाहिए ना ही डिसोसिएशन होना चाहिए। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे दो टर्म आती है, एक हम बोल रहे एसोसिएशन और एक हम बोल रहे डिसोसिएशन। ये दोनों टर्म का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? तो एसोसिएशन का मतलब होता है छोटे छोटे सब्सटेंस या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर के, छोटे छोटे मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर के जब एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो उससे हम कहते हैं एसोसिएशन। जैसे कि देखिए, सपोज आप बेंजोइक एसिड ले लीजिए, बेंजोइक एसिड को यदि आप सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे या वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो जो बेंजोइक एसिड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू डाइमर का फॉर्मेशन करेगा। मतलब बेंजोइक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स है उन्होंने एसोसिएट होकर के डाइमर का फॉर्मेशन करा है। आप इसे एक रिएक्शन से भी समझ सकते हैं, छोटी सी इक्वेशन की हेल्प से मैं आपको बताती हूँ। सपोज हम एन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए ले रहे हैं, ये एन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंबाइन होकर के ए टू दी एन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे हमने एन ऑफ ए मॉलिक्यूल लिए, मतलब हमने ए मॉलिक्यूल के बहुत सारे कंपोनेंट लिए, बट ये ए मॉलिक्यूल के काफी सारे कंपोनेंट कंबाइन होकर के हम कुछ बड़ा सा ए मॉलिक्यूल दे रहे हैं, तो इस प्रोसेस को ही हम एसोसिएशन कहते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो ए है इसका जो साइज है वो स्मॉल होगा। अब यदि इसका साइज स्मॉल होगा तो इसका जो मोलर मास है वो भी लेस होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं लेस मोलर मास, क्योंकि जो ए है ये स्मॉल साइज का है, यदि स्मॉल साइज का है तो उसका मोलर मास भी कम है। अब यहाँ पे एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये वाला जो होगा इसका साइज भी बड़ा होगा, इस वजह से यहाँ पे जो मोलर मास आएगा वो भी कैसा आएगा, हाई मोलर मास।
यहाँ पे आपको हाई मोलर मास देखने को मिलेगा। तो ये मतलब होता है एसोसिएशन का, जहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ये टर्म हो गई एसोसिएशन की। अब हम बात करते हैं डिसोसिएशन की। डिसोसिएशन क्या होता है? तो डिसोसिएशन का मतलब होता है जब एक मॉलिक्यूल क्या होता है, जब एक मॉलिक्यूल अपने पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है या अपने पार्ट में डिसोसिएट हो जाता है, तो उसे हम बोलेंगे डिसोसिएशन। जैसे कि आप बात करिए NaCl की, तो ये बात आप सभी जानते होंगे कि NaCl जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, और NaCl का डिसोसिएशन के बाद आपको देखने को मिलेगा Na+ एंड Cl-। उसी तरीके से KCl की भी हम बात करेंगे तो KCl डिसोसिएट हो जाएगा और हमें देखने मिलेगा K+ एंड Cl-। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, डिसोसिएशन को समझने के लिए आप चाहे ये एसोसिएशन की इक्वेशन है, डिसोसिएशन को समझने के लिए हम इस इक्वेशन को जस्ट रिवर्स कर देते हैं तो ये इक्वेशन डिसोसिएशन की बनेगी। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए टू दी एन मॉलिक्यूल से यदि ये ए टू दी एन मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे तो ये डिसोसिएट होकर हमको लार्ज नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स देंगे। यहाँ पे इनका जो मोलर मास है वो है हाई मोलर मास, या फिर आप इसे मोर मोलर मास भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो मोलर मास है इनका क्या होगा, लेस मोलर मास। तो फ्रेंड्स ये वो दो कंडीशन है जो हमको ध्यान रखनी चाहिए। यदि हमें दो कंडीशन को फॉलो करते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी हमारे मोलर मास में एक्यूरेसी आ सकती है, बट एक्चुअली दोनों कंडीशन कहीं ना कहीं सॉल्यूशन में आ जाती है। दैट्स व्हाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम जो मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं वो एक्यूरेट नहीं होते, वो मोलर मास कहलाता है एबनॉर्मल मोलर मास। अब फ्रेंड्स देखिए, इन कंडीशन को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने फैक्टर दिया था कि उनको मतलब उनके फैक्टर को कैलकुलेट करके हम किस तरीके से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो मोलर मास आ रहे हैं उन्हें एक्यूरेट बना सकते हैं। तो वो साइंटिस्ट थे वेंटोफ। वेंटोफ ने अपने फैक्टर दिया था और वेंटोफ फैक्टर के अकॉर्डिंग हम मोलर मास को एक्यूरेट बना सकते। अब जो वेंटोफ फैक्टर है, तो वेंटोफ फैक्टर को हम आई से डिनोट करते, तो वेंटोफ फैक्टर के अकॉर्डिंग दैट इज आई इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये था फ्रेंड्स वेंटोफ के अकॉर्डिंग, आई फैक्टर इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि कौन सा नॉर्मल मोलर मास होगा और कौन सा होगा ऑब्जर्व्ड मोलर मास। जैसे देखिए यदि हम एसोसिएशन की बात करते हैं, तो एसोसिएशन में ये वाला जो है Na, इसका जो मोलर मास आएगा ये कहलाएगा नॉर्मल मोलर मास, और जो हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा इसका जो मोलर मास होगा ये कहलाएगा ऑब्जर्व्ड मोलर मास। सेम डिसोसिएशन के केस में जो रिएक्टेंट का मोलर मास होगा ये कहलाएगा नॉर्मल मोलर मास, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट का मोलर मास होगा ये कहलाएगा ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या फिर कैलकुलेटेड मोलर मास भी आप इसे कह सकते। जैसे वाटर, तो वाटर का जो नॉर्मल मोलर मास है वो होता है 18, बट यदि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू कैलकुलेट करेंगे तो वाटर का कैलकुलेटेड मोलर मास कुछ और आएगा, जिससे ही हम एक लैंग्वेज में एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे वेंटोफ फैक्टर को आप देखिए, तो वेंटोफ फैक्टर के अकॉर्डिंग हमने आई फैक्टर को शो किया है, आई फैक्टर इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अभी बात बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि जो मोलर मासेस होते हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यदि इसे हमको इस इक्वेशन को हमको यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में लिखना है तो हम लिखेंगे आई इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रेशियो ऑफ नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यदि आपको इक्वेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मेट में लिखना है तो फिर ये वाला फॉर्मूला बनेगा। अब फ्रेंड्स देखिए, आपको ये तो पता चल गया कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन आ रहा है, बट अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब एसोसिएशन डिसोसिएशन होता है तो उस टाइम आई की जो वैल्यू है या जो वेंटोफ फैक्टर की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कितनी होती है या फिर कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे कंपाउंड की, हम कुछ ऐसे सब्सटेंस की बात करते हैं जो नाइदर एसोसिएशन शो करेंगे नॉर डिसोसिएशन शो करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो ना तो एसोसिएशन देते ना डिसोसिएशन देते, जैसे कि यदि हम बात करेंगे तो फ्रेंड्स हम ले रहे थे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोस एंड यूरिया। जो ग्लूकोस और यूरिया है ये क्या करते हैं, ना तो एसोसिएशन देते ना ही डिसोसिएशन देते, तो इनके लिए जो आई की वैल्यू होती है वो 1 की इक्वल होती है। ऐसे कंपाउंड्स जो एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं शो करेंगे उनकी लाइफ फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब देखिए एसोसिएशन के केस में कि एसोसिएशन के केस में क्या होगा, अब ऐसे कंपाउंड्स जो एसोसिएशन में को इन्वॉल्व कर रहे
या फिर जो एसोसिएट हो रहे उनके लिए हमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो हमने ये बोल के रखा है कि आई की वैल्यू मोलर मास की फॉर्मेट में देखे तो आई इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। अब एसोसिएशन में आप देखिए तो नॉर्मल मोलर मास ये है हमारे लिए एन ए रिएक्टेंट वाला, और रिएक्टेंट वाला जो मोलर मास है वो कम होगा और जो प्रोडक्ट वाला मोलर मास है वो ऑब्जर्व मोलर मास है, इसकी जो वैल्यू है वो हाई होगी। तो आप ये बात देखिए कि यदि हम इसे एसोसिएशन के केस में लेते तो हमारे लिए जो नॉर्मल मोलर मास की वैल्यू न्यूमरेटर में वो कम आएगी और डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। यदि न्यूमरेटर की वैल्यू कम है डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है तो एसोसिएशन के केस में जो हमारे लिए आई फैक्टर होता है या जो आई की वैल्यू होती है वो लेस देन वन होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि एसोसिएशन के लिए जो आई की वैल्यू होती है वो लेस देन वन होती है। अब बात करते हैं डिसोसिएशन के लिए कि डिसोसिएशन में क्या होगा। तो फ्रेंड्स डिसोसिएशन में आप ये देखिए कि डिसोसिएशन के केस में हम ये बोल रहे हैं कि जो रिएक्टेंट वाला है वो है नॉर्मल मोलर मास और ये जो है ये है ऑब्जर्व मोलर मास, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या होगा फ्रेंड्स देखिए डिसोसिएशन के लिए नॉर्मल मोलर मास की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी और ऑब्जर्व मोलर मास की जो वैल्यू होगी वो कम होगी, क्योंकि नॉर्मल मोलर मास डिसोसिएशन के लिए ये रिएक्टेंट वाला है और ऑब्जर्व मोलर मास डिसोसिएशन के लिए प्रोडक्ट वाला है। तो न्यूमरेटर की वैल्यू जब ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी तो डिसोसिएशन के केस में जो आई फैक्टर होता है वो ग्रेटर देन वन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स ये तीन बातें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब एसोसिएशन डिसोसिएशन इन्वॉल्व ना हो तो आई इक्वल्स टू वन, फॉर एसोसिएशन आई इज लेस देन वन एंड फॉर डिसोसिएशन आई इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए कई बार आपको क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, कई बार आपको न्यूमेरिकल भी देगा और वो ये पूछेगा कि जो सॉल्यूशन है वो या तो एसोसिएशन को शो करता है या वो सॉल्यूशन में कम्प्लीटली डिसोसिएशन हो रहा है। तो उस केस में आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके मोलर मास को कैलकुलेट करना है। तब आप वहां पे क्या करेंगे तो आई फैक्टर का यदि हम यूज करते हैं तो आई फैक्टर का यूज करने के बाद वेंट ऑफ इक्वेशन को यदि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूले में एकदम माइनर चेंजेस आएंगे। वो चेंजेस क्या होंगे मैं आपको बता देती हूँ। तो यदि आपको क्वेश्चन आता है कि कम्प्लीटली एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा है तो उसका यूज करके आपको आई फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। अब फ्रेंड्स उस केस में देखिए यदि हमारे आई फैक्टर जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए फॉर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा था आरएलवीपी, यदि हम आरएलवीपी की बात करेंगे तो हमारे लिए आरएलवीपी का फॉर्मूला ये था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स बी, एक्स बी दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। बट हमें वेंट ऑफ फैक्टर अप्लाई करना है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन है या तो एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है। तो उस केस में ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉडिफाई हो जाती है और आपके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आरएलवीपी अब बन जाएगी आरएलवीपी दैट मीन्स पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू आई इंटू एक्स बी वेयर आई इक्वल्स टू वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की तो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी डेल टी बी इक्वल्स टू आई इंटू के बी, ठीक है। वे आर के बी यू नो दैट एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, आई इज वेंट ऑफ फैक्टर एंड डेल टी बी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड यदि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो ये बन जाएगा डेल टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ वेयर डेल टी एफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आई इज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट एंड के एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट। और यदि हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की जो कि हमारी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी तो वो कहलाएगी पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी वेयर पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, आई इज वेंट ऑफ फैक्टर, सी इज कंसंट्रेशन, आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से वेंट ऑफ फैक्टर का जो यूज है वो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में करा। यदि अब हम इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके मोलर मास निकालेंगे तो मोलर मास जो है वो एबनॉर्मल मोलर मास नहीं होगा और आपको उसका एग्जैक्ट नियरली एग्जैक्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि आई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपने तो ये बता दिया कि आई इंटू एक्स बी आई इंटू के बी आई इंटू के एफ और आई इंटू सी आर टी, बट आई हम कैसे कैलकुलेट करते तो मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बताती हूँ आई को कैलकुलेट करने के लिए। सपोज आपको केसीएल के फॉर्मेट में आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में बात कर रहे केसीएल की पोटेशियम क्लोराइड की, तो इसके लिए आई कितना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो है जितने पार्ट्स में डिसोसिएट होता है उतने ही आई की वैल्यू होती है। यदि आप केसीएल को डिसोसिएट करेंगे तो डिसोसिएट हो जाएगा के प्लस एंड सीएल माइनस, तो इसके लिए जो आई की वैल्यू है वो टू है, ठीक है। सपोज हम सोडियम सल्फेट की बात कर रहे हैं N2SO4 तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, सोडियम सल्फेट हमें मिलेगा 2Na+ एंड SO4 2-,
तो यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है ये थ्री पार्ट्स में, टू ऑफ सोडियम एंड वन ऑफ सल्फेट, तो इस केस में जो आई की वैल्यू है वो थ्री होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और मैंने पूरी पूरी कोशिश करी आपको सारे टॉपिक्स को डिटेल में और अच्छे से समझाने की। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का हमारा टॉपिक अच्छे से समझ में आया। यदि आपको टॉपिक समझ में आता है तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और जो भी आपको डाउट हो हमारे टॉपिक से रिलेटेड वो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। गुड बाय फ्रेंड्स, बहुत एंजॉय करिए, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ।